नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप एक एसी का काम करते हैं तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, प्री जॉब, जॉब और पोस्ट जॉब के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे प्री जॉब के बारे में। प्री जॉब क्या होता है, पोस्ट जॉब क्या होता है और जॉब क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं प्री जॉब। प्री जॉब होता है एसी को एसी में काम करने से पहले यानी रिपेयर करने से पहले जो चीज भी हम लोग चेक करते हैं एसी में उसको बोलते हैं प्री जॉब। काम करने से पहले सिर्फ एसी को चेक करके। अब चेक क्यों करते हैं, सही एस्टिमेट दे कस्टमर को, सही एस्टिमेट देने के लिए और किसी तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए प्री जॉब को उपयोग किया जाता है। अब प्री जॉब में कितना पॉइंट्स चेक करना रहता है उसे आपको आगे बतलाएंगे। उसके बाद था जॉब। जब आप प्री जॉब कस्टमर से यानी कि अप्रूवल ले लेते हैं और काम करना चालू करते हैं, यानी कि जब चेक करना चालू करते हैं उसके बाद एस्टिमेट देते हैं, उसके बाद क्या होता है कस्टमर अप्रूवल दे दिया तो अब हम लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं जॉब। जब काम चालू करते हैं मैंने रिपेयर करना चालू कर दिए उसको बोलते हैं जॉब करना। और जब काम खत्म हो गया, जो रिपेयर काम था और रिपेयर का काम हम कर दिए, उसके बाद कस्टमर क्या जाते हैं दिखलाने के लिए, आपका एसी का काम हो गया उसके बाद जो मेरा व्यवहार होना चाहिए और क्या क्या कैसे होना चाहिए उसको बोलते हैं पोस्ट जॉब। तो इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे प्री जॉब के बारे में। प्री जॉब में स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको करना चाहिए। सबसे पहला जो आपको है उसमें क्या चाहिए कि एसी की हिस्ट्री पूछे। अगर कस्टमर घर पर जाए, अगर कोई एसी रिपेयर करने के लिए बुक किया गया तो हम क्या चीज करेंगे, सबसे पहले एसी की हिस्ट्री पूछेंगे। दूसरा क्या चीज करेंगे, दूसरा हम लोग टाइम मांगेंगे यानी कि एसी की हिस्ट्री पूछेंगे और दूसरा एसी की हिस्ट्री मतलब इससे पहले कोई टेक्नीशियन आया है या नहीं। दूसरा टाइम मांगे, सर मेरे को 10 मिनट टाइम दीजिए और एसी को हम पूरा चेक करके डायग्नोसिस करके हम आपको बतला दे रहे एसी में क्या प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम। इससे क्या सही तरीका से चेक कर लेंगे, सही तरीका से एस्टिमेट दे पाइएगा और किसी तरह की दुर्घटना होने से आप बच जाइएगा। अब दुर्घटना किस टाइम होता है सुनेगा आपको एसी ब्लास्ट करता कुछ आगे बतलाएंगे, ये चीज आपको इसमें पहले पता चल जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है जैसे आप दे दिए हिस्ट्री पूछ लिए, दूसरा जानना क्या चाहिए टाइम दीजिए, सर 10 मिनट टाइम दीजिए। तीसरा क्या करना, पावर प्लग को अनप्लग करेंगे, ठीक है, पावर प्लग को अनप्लग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पावर प्लग जब अनप्लग करेंगे तो उसके बाद लाइन न्यूट्रल और बॉडी अर्थ चेक करेंगे। लाइन न्यूट्रल अर्थ में हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, ये चेक कर लिए तो तीसरा क्या करेंगे, हम आउटडोर के पास जाते हैं, इनडोर के पास हो गया। चौथा हम क्या करेंगे, हम लोग आउटडोर के पास जाते हैं। जब आउटडोर के पास जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्टर से लेकर बॉडी अर्थ याद पढ़ के चेक करेंगे और टेस्टर से जब बॉडी अर्थ चेक कर लेंगे। अच्छा, बॉडी अर्थ किस तरीके से चेक किया जाता है, जब बॉडी अर्थ मान लिया आ रहा उसमें लाइन दिखला रहा फिर भी हम छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं, वो करंट में जो मारेगा या नहीं मारेगा, इसको प्रॉपर जानने के लिए आपको फिर इंस्टीट्यूट आना पड़ जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में अगर बतलाएंगे फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद ये सब चीज अगर कर लेते उसके बाद क्या करना, कनेक्शन चेक करना। कनेक्शन मतलब है कि अगर पहले से कोई काम किया होगा बंदा, हो सकता है उसमें कनेक्शन पहले अगर छुराया होगा, हो सकता है बॉडी में सटाया होगा, लाइन दीजिएगा आपको बॉडी में करंट आ जाएगा पूरा, है कि नहीं, तो उससे वो चीज हमको करना। हो सकता है शॉर्ट सर्किट लग जाए तो कनेक्शन छुरा देंगे। उसके बाद सर्विस वाल्व चेक कर लेंगे, सर्विस वाल्व जहाँ पर हम लोग प्रेशर चेक करते हैं और वहाँ पर एलन की बंद करते हैं ना, हो सकता है बंद है कि खुला हुआ, इसको चालू करने से पहले हमको चेक करना रहता नहीं तो फिर मेरा कंप्रेसर खराब हो सकता है। उसके बाद मेरा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का प्रेशर चेक करना, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर चेक करना, सिस्टम के अंदर कौन सा गैस भरा हुआ यानी कि रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है या फिर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन भरा हुआ, इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, अस कैसे चेक करते हैं ये चीज बतला देंगे आपको, यानी कि ये सब के सब एसी ऑफ कंडीशन में चेक करना, ठीक है, ये चेक कर लिए। अब क्या करना, एसी को ऑन करना, स्टैंडिंग प्रेशर तो चेक कर लिए, अब क्या करना है यानी कि एसी को ऑन करना। जब एसी को ऑन कर लिए तो उसके बाद क्या चेक करेंगे, बैक प्रेशर, नॉइज प्रॉब्लम, एम्पियर और इसका जो यानी कि मैं ये तीन चीज ये खास करके याद करके चेक करेंगे, यानी बैक प्रेशर हो गया, एम्पियर हो गया, नॉइज प्रॉब्लम हो गया, ये तीनों चीज चेक करने के बाद एक चीज और चेक कर लेना, फिजिकल डैमेज। किसी तरह एसी में पहले से तो कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, क्या कि बाद में अगर आप काम करते हैं बाद में कस्टमर खुद बोलता है कि आपका ये पहले से आप तोड़ दिए, ये चीज आपको कस्टमर को पहले अगर बतलाते हैं तो वो चीज अच्छा रहेगा, बाद में क्या चीज बार्गेनिंग नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जो आगे है मेरा क्या चीज, ये जब हो गया इतना जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर के पास जाते हैं, जाते हैं कस्टमर के पास। इतना चेक करने के पास एसी को ऑन करने से पहले ये सारा कुछ चेक कर लिए, जब चेक प्रॉपर कर लिए तो उसके बाद हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, सर एक मिनट टाइम दीजिए। टाइम देने के बाद क्या चीज बोलेंगे, प्रॉब्लम बतलाएंगे, सर आपके एसी में ये प्रॉब्लम है, और गैस चार्जिंग है सर, इसमें गैस चार्जिंग कमी है, इसमें सर्विस कमी है, इसमें मोटर खराब है, जो भी चीज रहेगा प्रॉब्लम वो चीज प्रॉब्लम उसमें क्या चीज करेंगे, कस्टमर को बतलाएंगे। जब कस्टमर को बतला देंगे उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसमें गैस चार्जिंग के बात, सर इसमें गैस चार्जिंग की कमी है, मतलब कि इसमें गैस नहीं है, तो उसमें क्या समझाएंगे, सर इसमें गैस नहीं है, प्रॉब्लम बतला दिए, अब रीजन बतलाना है। रीजन क्या होता, किस कारण से गैस उड़ सकता है, तो पहला कारण क्या बोलेंगे, हवा में उपस्थित अलग अलग गैसों के कारण, हवा में उपस्थित नमी के कारण,
क्या चाहिए था, मॉइस्चर वगैरह के कारण कॉइल पे जमता और वहां से गैस लीकेज हो जाता। दूसरा क्या बोलेंगे, एसी के वाइब्रेशन की वजह से फ्लेयर कट जाता, कहीं पर वाइब्रेशन की वजह से लीक हो जाता, कॉइल कमजोर होता, जिस कारण से क्या चाहिए था गैस मेरा लीक करता। और उसके बाद यानी प्रॉब्लम बतला दिए, रीजन बतला दिए, अब क्या बतलाएंगे सोल्यूशन। सर आपका काम हो जाएगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं, प्रॉब्लम बतलाए, रीजन बतलाए, अब सोल्यूशन बतलाए। सोल्यूशन बतला देंगे, काम आपका हो जाएगा, इसी बता दिए। और सोल्यूशन बतलाते हम उसको क्या चीज बतलाएंगे, एस्टीमेट देंगे, खर्चा बतलाएंगे। सर आपको इतना इतना खर्चा लगेगा, मैंने गैस चार्जिंग का 2700 रुपये खर्चा लगेगा, ऊपर से और कोई कुछ खराबी है, मैंने सर्विसिंग है तो उसी हम आपको उसको बतलाएंगे। वो चीज बतलाने के बाद क्या एस्टीमेट दे दिए, उसके बाद क्या बतलाएंगे, सर मेरे को 10 मिनट या 20 मिनट, यानी कि अगर मतलब जैसे गैस चार्जिंग है एक एवरेज आपको 2 से 4 घंटा का टाइम लेना, सर आपको मेरे को 3 घंटा का 2 घंटा का टाइम दीजिए, आपको हम प्रॉपर ये रिपेयर करने, मेरे को इतना रिपेयर करने में मेरे को इतना टाइम लगेगा, 2 घंटा का टाइम लगेगा। जब वो अप्रूवल दे दिया तब क्या करेंगे, हम लोग काम करना चालू करेंगे। और काम करना जब चालू करेंगे वो चीज, उसको बोलेंगे जॉब। जब काम खत्म हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट जॉब। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी जो इस वीडियो में आपको बताया सिर्फ प्री जॉब के बारे में, अगला बताया जाएगा कोई जॉब के बारे में और फिर पोस्ट जॉब के बारे में।